जय चक्रधारी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रत्न पन्ने का शोधन कैसे किया जाता है। इसमें जो पहला घटक है आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहली जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो है देसी गाय का दूध। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है रत्न पन्ना। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है डोला यंत्र। ठीक है जी, ये तीन रिक्वायरमेंट रहती हैं पन्ने रत्न के शोधन के लिए। अब सर्वप्रथम हम यह लेके आएंगे अभी आपके सामने, पश्चात रत्न पन्ना को एक कपड़े की पोटली बनाकर के बांधेंगे और डोला यंत्र पर उसको मध्य भाग में ऊपर की ओर लटकाएंगे। किस तरीके से वो भी आपको मैं बता देता हूं। ध्यान से आप देखिएगा, जैसे ये एक पात्र लिया हमने, ये एक पात्र लिया, ठीक है। अब इसके नीचे के हिस्से की ओर यहां पर हमने मंद अग्नि यानी कि हल्की आंच, मंद अग्नि हमने प्रज्वलित करी। इस प्रज्वलन से अग्नि उत्पन्न होगी, तो इस प्रज्वलन से जो हम देसी गाय का दूध लेकर आ रहे हैं वो इसमें हम भर देंगे। पश्चात इस अग्नि के माध्यम से जब हम इसको भर देते हैं धीमी आंच पर, तो धीरे 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 इसमें से धूम्र यानी कि धुआं उठेगा, इसमें से धुआं उठेगा और जो रत्न पन्ना है उसको हम इस भाग में लटका देंगे या बांध देंगे किसी भी चीज की सहायता से। ठीक है जी, जैसे जैसे धुआं इस पे अड़ेगा तो एक संस्कार होता है स्वेदन संस्कार, सामान्यतः यह संस्कार पारद में किया जाता है। वो स्वेदन संस्कार करने का तरीका भी यही है। तो यह हम ये जो एक प्रकार का स्वेदन संस्कार कर रहे हैं रत्न पन्ने का, जिससे क्या होता है पन्ना शोधित होता है। इस क्रिया से पन्ना शोधित होता है। जो भी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो रत्न पन्ना के भीतर किसी भी प्रकार से जमी हुई है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या किसी और प्रकार की ऊर्जा हो, तो कई बार पन्ना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होता। तो इस शोधन को आप एक प्रकार से समझिए कि यह पूरी तरह से खाली हो जाएगा, अपनी ऊर्जाओं का संचरण करने के लिए मुक्त हो जाएगा। या और आसान भाषा में कहूं, जैसे हम जब किसी टंकी में या किसी सिंक में पानी डालते हैं तो पानी बहता है, बहना चाहिए, यदि उसमें कुछ जाम लग जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार रत्न पन्ने का जब शोधन होगा तो इसमें से जो भी ऊर्जाएं, जैसे कि दो प्रकार की ऊर्जाओं पर पन्ना काम करता है, एक तो होता है संगत सिद्धांत और दूसरा होता है रश्मि सिद्धांत। तो संगत सिद्धांत का काम जो कि आपके साथ में उसमें जो मेटलर्जी है, जो तत्व है, उसके मूलभूत तत्व धातु के जो धातु के तत्व हैं वो संगत सिद्धांत के माध्यम से काम करते हैं। तो जब इसका शोधन हो जाएगा इस प्रकार से, तो एक तो संगत सिद्धांत भी बढ़ गई, दूसरा जब सारी जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी इसमें से बाहर निकल गई तो रश्मि सिद्धांत भी बहुत अच्छी तरह से काम करने लगेगा। इस प्रकार से पन्ना रत्न का शोधन होगा डोला यंत्र में, इसको बोलते हैं डोला यंत्र। अब आगे की क्रिया के लिए हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। जय चक्रधारी। तो सबसे पहला काम है इसको शोधन करने का, उसके लिए हमारे को आवश्यकता है देसी गाय के दूध की और ये पात्र हमने लिया है चांदी का। चांदी का ही क्यों? क्योंकि इस पात्र की जो प्रवृत्ति है वह ठंडी है और ये जो रत्न पन्ना है इसकी प्रवृत्ति भी ठंडी है, तो दोनों की मैत्री बनी रहे। और जो गौदुग्ध है इसकी प्रवृत्ति भी शीत है यानी कि ठंडी है, आपके शरीर में यह गर्मी नहीं बढ़ाता है अपितु किसी भी प्रकार की गर्मी हो तो उसको शांत करने की क्षमता रखता है। तो यह जो पहला काम है
देसी गाय का दूध एकत्रित करना, हम वो कार्यवाही कर देते हैं। और ये भाई साहब यहाँ के देखभाल करने वाले हैं, यह जो है इसमें दूध निकाल के हमको दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से दूध हमारे हाथ में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको जो आगे की क्रिया, जो भी क्रिया है, उसके लिए हम इसको काम में लेंगे और इस रत्न पन्ने का पूरी तरह से शोधन हम लोग करेंगे। तो ये हम इस रत्न पन्ने को बांध रहे हैं, चांदी के भगोने में दूध आ गया है, डोला यंत्र तैयार करते हुए जैसा कि अभी आपको बोर्ड पर लिख करके समझाया था। तो इसको धागे से हम लोग कसकर बांध रहे हैं मध्य भाग में। ये जो चांदी है, ये तो चांदी के रॉड्स आप देख रहे हैं, इन रॉड्स को हम इस पे ऊपर भगोनी के ऊपर रख देंगे। मध्य भाग में इसके बिल्कुल सेंटर में यह पन्ना बंध जाएगा और हमने इसमें सूती का कपड़ा काम में लिया है, क्योंकि सूती का कपड़ा किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं रखता है, यह भी प्राकृतिक धरती माता का दिया हुआ कपड़ा है। तो ये मध्य में रत्न पन्ना आ गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको अग्नि देंगे, इसको उबालेंगे और धीमी आँच पर ये काम करेंगे जी। तो ये देखिए आप, इस प्रकार से हमने कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। उबलेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे दूध ऊपर की ओर भी आएगा, इसका धुआं भी इसको पन्ने को लगेगा, स्वेदन क्रिया होगी और इस प्रकार से इसका पूरा संस्कार हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब ये कार्यप्रणाली चलती रहेगी, तब तक के जब तक इसका शोधन होता है हम इसको करते हैं और अगले चरण पर पहुँच करके आपको वापस आगे की सूचना देते हैं। तो ये कार्यवाही देखो आप, दूध उबाल खाने लगा है, इसमें से धुआं भी आने लगा है। हो सकता है आपको उतनी अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा हो अभी कैमरे में, किंतु मुझे बड़ी ही साफ तरीके से यह दिख रहा है। और ये धुआं लगातार ही इस पन्ने का स्वेदन कर रहा है, इसके ऊपर जो भी मैल है, यहाँ तक कि इसके भीतर जो भी इस प्रकार के तत्व हैं उनको यह तोड़ रहा है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। आगे की क्रिया ऐसी चलती रहेगी, कुछ समय और लगेगा, तब तक के लिए हम इसको देखते हैं, अंतिम चरण की ओर पहुंच करके आपको पुनः दिखाते हैं।
तब आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह दूध शोधित होता होता धूम्र बनता बनता इसका स्वेदन करता करता रबड़ी के रूप में आ चुका है, और इसकी सुगंधि इतनी मदमस्त आ रही है कि मन ललायत है इस रबड़ी को खाने के लिए। खैर जो भी है, पन्ने का शोधन जो कि शैलेंद्र जी के लिए किया गया है यह तो पूर्ण हुआ। इनकी मुद्रिका इसके भीतर है और यह पूरी रबड़ी बन चुकी है। इसको अब हम बाद में खाएंगे, उससे पहले हम इस मुद्रिका को निकाल लेते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, अगले चरण को हम आपको जल्दी ही दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम खोल रहे हैं और इसमें से मैं मुद्रिका निकालने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। कैंची से इसका जो धागा है वो काट करके इसके भीतर से मैं पन्ना मुद्रिका को निकालने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे अटकाव आ जाता है, किंतु दोबारा से कैंची का प्रयोग कर लेते हैं और आप देखेंगे ये मेरे हाथ में खुल करके ये पोटली आ चुकी है। अब एक धागा और अटका हुआ है, उसको भी मैं खोल देता हूँ और पन्ने को इस पोटली में से मैं बाहर निकाल देता हूँ। यह देखिए पोटली मेरे हाथ में आ चुकी है और एक धागा जो खोलना बाकी था वो मैं खोल देता हूँ। इस तरह से पन्ना मेरे हाथ में आ जाएगा और इसको खोलने के पश्चात एक अलग ही आनंद होगा। यह देखिए आप, ये पोटली खुल गई और इसके भीतर से यह पन्ना रत्न मैंने निकाल लिया है। यह रत्न पन्ना पूरी तरह से शोधित है, आयुर्वेद के अनुसार यह तैयार है अपना काम करने को। अब यदि शैलेंद्र जी चाहेंगे कि इसका पूजन हो जाए, मंत्रों के माध्यम से इसमें ऊर्जा भर दी जाए, तो वो कार्य भी हो जाएगा। किंतु जो प्रथम चरण है इसके शोधन का वो तो पूरा हो चुका है। मुद्रिका भी अति सुंदर है और रत्न पन्ने का जो शोधन हुआ है उसका तो कहना ही क्या। तो हम उनको बहुत शुभेच्छाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका यह काम पूर्ण हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी मनेच्छा से उन्होंने इसको शोधित करवाया है वह पूर्ण हो।